अस्सलाम वालेकुम। रात में बड़ी बॉनफायर में लेट हो गए थे, तो सुबह हमारी आँख अभी बड़ी देर से खुली है। चलते हैं, थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। ये है हमारी औकात, ये सांगढ़ के अंदर, सांगढ़ से तकरीबन 35 किलोमीटर अंदर शदादपुर, शदादपुर से तकरीबन कोई 34 या 32 किलोमीटर, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद, गोट याकूब संजरानी जिनके पास हम मेहमान हैं। औताक के अंदर ही मेहमानों के लिए मस्जिद बनाई हुई है। ये सरसों, सारी सरसों लगी हुई है ये, और ये जो रखा हुआ है ये साईं, साईं खुशा खुशा, अस्सलाम वालेकुम, खैर दे जोड़ दे। ये हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट प्लेस में, गाय भैंसों के पास। ये कोई हसीन जगह है, ये एक शहरी इंसान को जो है ना वो यहाँ पे आके अपना कुछ टाइम जो है ना वो गुजारना चाहिए ताकि सुकून हो। अभी हम रात में सोए, हम ऐसा सोए कि हमें पता ही नहीं चला कि सुबह कब हुई और दोपहर हो गई वरना हमें यहाँ सनराइज़ देखना था। हम यहाँ आते हैं तो सनराइज़ देखते हैं, लेकिन खैर अल्लाह को जो मंजूर। ये भी बहुत अच्छा है जी। सांगढ़ बहुत ही ज़्यादा कदीम शहर है, और इसका नाम सांगढ़ इसलिए है क्योंकि ये सिटी ऑफ हुर है। हुर कहते हैं जो, ये एक पीर और मुरीदी का सिलसिला है, पीर पगाड़ा जो सांगढ़ जो नाम है वो एक खातून का नाम था जो मुरीद थी पीर साईं जो पगाड़ों की, तभी इस शहर का नाम जो है, इस जगह का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम सांगढ़ रखा गया। और सांगढ़ के अंदर ये शदादपुर के आगे जाके जो है ना ये सरसों ही सरसों है हर जगह। ये टोमेटो है, अभी लगा हुआ है पूरा टोमेटो है। साईं अजीब हो, साईं अच्छा। ये जो घास लगी हुई है ये इनके, ये सिर्फ अपने जानवरों के लिए, ये जानवरों के लिए इनके, ये कनकी है, ये छोटी है अभी, ये छोटी कनकी है, ये ट्रेडिंग के लिए। ये घास के साथ इन्होंने वो सरसों लगाई हुई है ताकि ऑयल वगैरह अपने अपने यूज के लिए, अपने यूज के लिए। ये ऐसे दूसरे सरसों है इधर वो बेचने के लिए। चलो साईं आगे चलो बेचने के लिए। अभी ये कणकी है ना, ये भी आ गई है बीज पे, अभी ये निकल गए ना, अभी ये बीज पे आ गई है कणकी ना। तकरीबन ये फरवरी मार्च के, मार्च में ये काटना शुरू हो जाएगी, अगर सरसों है फरवरी में काटना शुरू हो। ये भी हमारे, मैं अपने बच्चों के लिए भी लेके जाऊंगा यार साईं घास यहाँ से, ताज़ी घास थोड़ी सी ना गांव की याद दिलाने के लिए। वो उधर से जाकर भाई के पास उठाएंगे। अभी ये कनकी है, ये कनकी है भाई, ये इसे गंदम भी कहते हैं, वीट भी कहते हैं, वीट भी कहते हैं। अभी ये तैयार होगी, अभी तैयार नहीं है, अभी इसमें अनाज इसमें होगा, ये है ना, इसमें अनाज होगा, अभी हुआ नहीं है, कच्चा है।
कच्चा है ना ये भी, अभी पका पका हो जाएगा फिर। और ये कनकी अपनी पूरी कनकी है, वो पीछे सरसों लगी हुई है वो बेचने वाली है। हाँ ये बेचने वाली, आगे जगह है ना वो जो आगे, अगर मेरा कैमरा आपको जूम कर सके। नहीं आगे चल चलेंगे सीधा जाकर, हम बहुत दूर दिख रही है, गाड़ी में बनाते चल। हाँ हाँ गुलाम रसूल की ओताक में ना उधर अपने को। ये सरसों बीच में क्या कर रही है अकेली? टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर, यही यही रोक लिया ये। एक बात बताओ जी जी साईं, नहीं एक बात बताओ, नहीं नहीं दो दो जमीन है ना वो अपना बीज अमानत नहीं रखती। बेशक बेशक बेशक, ये अब इसका बीज गिरेगा ना अगले साल ये खुद में खुद आ जाएगा। बेशक साईं, ये बड़ी पते की बात किया तुमने, जमीन अमानत नहीं रखती। अम्मा जमीन अमानत नहीं रखेगी, खयानत नहीं करेगी अमानत तुम्हारी, वैसी की वैसी सब प्याज लगी हुई है। तो मोहब्बत दो सरसों, अभी हम कनकी की बीज गिरेगा हाँ उसी मौसम में खुद खुदाई को खुद को निकल आएगा। ये बेर, ये बेरी का पेड़ है, बेर बेर जो कौन है बेर यार बेर बेर, ये नहीं लगी हुई है आगे, नहीं लगी हुई ये कनकी अपनी माशाल्लाह। कनकी बोले तो गंदम गंदम, ये कितना एकड़ है ये वाला हिस्सा जितना दिख रहा है सिर्फ हमें जिसमें ये निकला हुआ प्याज? ये दो एकड़, ये दो एकड़ है, दो एकड़ पर अभी पैदा हो रहा है, दो और पैदा चार एकड़ हो गए। हाँ भाई ये प्याज जो है ना, हाँ ये बगैर जोड़ का है, बगैर जोड़ का सब, ये बगैर जोड़ की निशानी है। अच्छा अपना मुर्तुजा भाई, ये जो है ना ये कटने का भी बड़ा हिसाब है ना इसका, ये अगर सही कट गया तो इसके मार्केट में वैल्यू है, वैल्यू है। अगर सही नहीं कटेगा तो इसके भी पैसे कम है, इसके पैसे कम है। कटाई की भी बात है सारी, कटाई की बात, कटाई का भी हुनर होना चाहिए, हुनर, शेप होना चाहिए इसका जो ये है, जो ये जोड़ वाली है ये निकाल देते हैं। हाँ ये जोड़ वाली, ये जोड़ वाली, ये मना इसके पैसे कम है मार्केट में, मार्केट में कम है। ये सारा सिस्टम होता है, पियो तो कोई मैं बस बस जो दिल चाहे धो लो। हेलो हलिया, जान लगाए जान लगाए, जान की जरूरत ही नहीं है, पानी साफ है ना, पानी साफ है, पानी अजबा और योम का घर पैदाइश, किधर प्लेट लगी वो तो उधर, हाँ वो तो देख सही, अपनी गाड़ी शेड पे खड़ी करो वहाँ पे उसकी उतार पे। मेरी अज्जू और वो जो है ना योम, वो इसी घरों से निकले हैं। अब चेक करो यू, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये साईं कोई नस्लदार बकरी का पिलाना दूध, नस्लदार, ओ माशाल्लाह। नर कहाँ है यार, नर नहीं दिख रहा, कम हो रहा है, कहाँ है ये, ये बेहतरीन है, हाँ इसका निकाल दो। ये गबन है क्या जी, गबन है क्या हाल में।
Mm-hmm.